डेंगू मुहिम की इफ्तिताही तकरीब गवर्नमेंट कॉलेज बाय खवातीन बागबानपुरा में मुनक्कद की गई, जिसमें मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर एमएनए परवेज मलिक, मारूफ समाजी रहनमा शाइस्ता परवेज मलिक, एमपीए वसीम कादर, राहिला खादम हुसैन, वजीर आला के मामले खसूसी बराए सेहत ख्वाजा सलमान रफीक, सेक्रेटरी सेहत, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, डीजीपीआर, कमिश्नर ईडीओ हेल्थ, प्रिंसिपल डॉक्टर फौजिया इफ्तखार, माहरीन हशरात और लेडी हेल्थ वर्कर्स की बड़ी तादाद शरीक हुई। शाइस्ता परवेज मलिक ने कहा, घर घर डेंगू मुकाओ मुहिम का मकसद लार्वे की निशानदेही और फौरी खात्मा है। ये चीफ मिनिस्टर अब पंजाब मियां शहबाज शरीफ का एक विजन था, एक ख्वाहिश थी, हिदायत थी, जिन पर अमल करते हुए आज जिस पे हम पिछले दो ढाई महीने से काम कर रहे हैं, आज वो ख्वाब एक हकीकत का रूप धार कर आपकी सूरत में हमारे सामने बैठा है। ख्वाजा सलमान फीक ने कहा कि लोग घरों में सफाई का खास ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि मुतासर इलाकों में टेक्निकल कमेटी की सिफारिशात के बाद स्प्रे किया जाएगा। सो जो ही टेक्निकल कमेटी हमें अलाउ करेगी उस डाटा के मुताबिक जो डेली डाटा में लाहौर का और बाहर के शहरों को आ रहा है, उस टेक्निकल कमेटी की रिपोर्ट के बाद और WHO के लोग उसमें शामिल हैं, हम फिर स्प्रे शुरू करेंगे। यूनियन काउंसिल की सतह पर डेंगू मुकाओ मुहिम बिलाशुबा एक अहसन इकदाम है, इससे शहरियों में इस वबा से बचाव के बारे में शऊर पैदा होगा। कैमरामैन वाजिद अली के साथ यासिर अरफात, सिटी 42।